हेलो, मेरा नाम है विकास राजौरा और मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है इनफर्टिलिटी। 12th क्लास का है, लास्ट रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी। अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इनफर्टिलिटी को मेंशन किए बिना वो अधूरी है। देखते हैं इनफर्टिलिटी क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी, ए कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस बेबी इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी जब वो बेबी कंसीव ना कर पाए या बेबी प्रोड्यूस ना कर पाए उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मेल या तो स्पर्म प्रोड्यूस ना करे या जो स्पर्म का नंबर है, जो काउंट है, वो कम हो इजेक्यूलेशन में। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल एग प्रोड्यूस ना करे। दैट मीन इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। क्वेश्चन अराइज होता है रीज़न क्या है इनफर्टिलिटी के, व्हाट आर द रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल हो सकता है, दूसरा कॉन्जेनिटल हो सकता है। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जो जनरेशन टू जनरेशन, इनहेरिटेड बेसिकली। तीसरा होता है आपका ड्रग्स, ड्रग्स। फोर्थ हो सकता है इसमें साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, और लास्ट इम्यूनोलॉजिकल। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है कपल में। तो ऐसे कपल जो इनफर्टाइल है वो कैसे बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या वो कैसे जो है बेबी जो है बोर्न कर सकते हैं एक फीमेल अगर वो इनफर्टाइल है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनको बोला जाता है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजी की मदद से इनफर्टाइल कपल जो है वो बेबी पा सकते हैं। तो क्या क्या हैं ये टेक्निक्स, इन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ART में पहली टेक्निक है वो है हमारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होगा इस टेक्निक में देखते हैं जरा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहाँ हम अब ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और इंड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होगा देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहले इस इन विट्रो का मतलब समझते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होगा लेबोरेटरी में, और बिल्कुल उस कंडीशन में होगा जो एक फीमेल में होती है। उन फीमेल में बेबी के लिए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी किया जाता है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो उसको इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अब करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या किया जाता है, ओवा लिया जाता है, ओवा फ्रॉम
वाइफ या फिर डोनर, और स्पर्म लिया जाता है, स्पर्म वो लिया जाएगा हस्बैंड या फिर डोनर, ओवम फ्रॉम वाइफ या डोनर, स्पर्म हस्बैंड या फिर डोनर, इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर ये वाइफ फर्टाइल है हस्बैंड इनफर्टाइल है तो उस केस में क्या करेंगे, वाइफ से लिया जाएगा ओवम, ओवम वाइफ से आ गया या ओवा जो है वो वाइफ से आ गया। अब हस्बैंड इनफर्टाइल है तो उस केस में डोनर से लिया जाएंगे स्पर्म। उल्टा कर देते हैं, अगर वाइफ है इनफर्टाइल और हस्बैंड वो है फर्टाइल, क्या हो जाएगा, इस केस में डोनर से लेंगे और यहां से स्पर्म आ जाएंगे हस्बैंड से। तो इसीलिए हमने सारी टर्म यहां पर एक में ही यूज कर दिया कि वाइफ या डोनर, हस्बैंड या डोनर, ओम आएगा और उन्हें लेबोरेटरी में उस कंडीशन में फ्यूज कराया जाता है जिस कंडीशन में नेचुरली वो एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं। तो वो फ्यूज होंगे और फ्यूज करने के बाद आउटसाइड द बॉडी वो बनाएंगे जाइगोट, एक सिंगल डिप्लॉइड सेल हमारे सामने होगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से जो टेक्निक चलेगी उसे अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। ये हो गया फर्टिलाइजेशन और इसका रिजल्ट आ गया हमारे सामने जाइगोट। अब इस जाइगोट को या फिर अर्ली एम्ब्रियो को जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो का मतलब है कि विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर। बात कर चुके हैं हम ये जब हमने प्रेगनेंसी में डेवलपमेंट पढ़ी थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तब हमने पढ़ा था ब्लास्टोमियर क्या होते हैं। फिर से फर्टिलाइजेशन हो गया आउटसाइड द बॉडी, जाइगोट बन गया है, देन जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो मीन विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अगर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को हमें ट्रांसफर करना है फीमेल में तो उसे ट्रांसफर करेंगे हम फैलोपियन ट्यूब में, और जब उस जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो वो टेक्निक कहलाती है हमारी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब कि अगर शॉर्ट में बात करें तो ये बन गई आपकी जिफ्ट, ये हो गई बात। दूसरा, अब ये तो बात थी जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो यानी कि 8 ब्लास्टोमियर, अगर इससे आगे की बात करें यानी कि अगर इससे ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हैं तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है तो उसे ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में, और वो क्या कहलाएगी, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर यानी कि IUT। इस चीज को बहुत सारे लोग मिस करते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि ये जिफ्ट क्या है, IUT क्या है, क्वेश्चन अराइज होते हैं स्पेशली कि इफ द एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर वेयर इट ट्रांसफर, कहाँ इसको ट्रांसफर करेंगे फीमेल में, तो वो ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में, और अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा स्टेज हैं तो वो ट्रांसफर होगा यूट्रस में,
और यूट्रस में ट्रांसफर हो तो इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर कहलाएगा, यानी कि IUT कहलाएगा। और अगर हम फेलोपियन ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि हमारा जिफ्ट कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थी हमारी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का पहला वे, ये कह सकते हैं ART का पहला मेथड। चलो उसके बाद बात करते हैं, इसमें फर्दर वही नॉर्मल कंडीशन प्रोवाइड। अब यूट्रस में ट्रांसफर होने के बाद बेबी की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेम वही तरीका होगा जो हमने पढ़ा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी, वो डेवलपमेंट सेम होगी फीटस में जाने, उसमें यूट्रस में जाने के बाद, सॉरी। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं हम गिफ्ट की, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है, इसे देख लेते हैं, ये किस केस में की जाती है और इसमें क्या होता है। नाम से पता लग रहा है कि इसमें गैमीट को इंट्राफेलोपियन ट्यूब में, यानी कि गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। कौन से गैमीट को और किस कंडीशन में ये की जाती है वो देख लेते हैं। तो जो जिफ्ट होती है ये किस कंडीशन में की जाती है, जब फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस एग, ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा ओवम बट कैन प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी एंड फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बाकी अगर ओवम है, स्पर्म है, तो फर्टिलाइजेशन की कंडीशन भी प्रोवाइड करा देगी और आगे उस बेबी की डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी कराने के लिए इसका जो यूट्रस है वो सूटेबल है, बस ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, उस कंडीशन में डोनर से ओवा लिया जाएगा और उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। इसीलिए ओवा को ट्रांसफर करेंगे इन फेलोपियन ट्यूब, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड जिफ्ट। ये IVF से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि IVF के जो चांसेस होते हैं सक्सेसफुल के वो सिर्फ 20% हैं, लेकिन जिफ्ट के जो चांसेस हैं वो 25-30% हैं, यानी कि कंसीव करने का, बेबी कंसीव करने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं और ये बेटर है IVF से। ये है जिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये थी, इसके बाद आती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शॉर्ट फॉर्म ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, किस केस में और कब होती है? ये होगी जब मेल नॉट एबल टू इजेक्ट द स्पर्म इन द वजाइना, दैट मीन फेल इन इंसेमिनेशन, और द स्पर्म काउंट इज वेरी लो, स्पर्म काउंट इज वेरी लो। अगर मेल वजाइना में स्पर्म इजेकुलेट या इंसेमिनेट ना कर पाए तो ICSI की जाती है, या फिर स्पर्म रिलीज करता हो, इंसेमिनेशन तो हो रहा है लेकिन उस इंसेमिनेशन में, यानी कि सीमन में, स्पर्म का जो नंबर है वो कम है, तो उस कंडीशन में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कराया जाता है। होता क्या है, इस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, करते क्या है इसमें, इसमें ये किया जाता है
कि जो फीमेल है उससे ओवा लिया जाएगा, देन ओवा को लेबोरेटरी में क्या किया जाएगा, जो स्पर्म है उस स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाएगा। इसीलिए इंजेक्ट किया जाएगा क्योंकि ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस टेक्निक के बारे में एक चीज याद रखें कि होती क्या है, तो फिर ये अपने आप समझ आ जाएगी। तो ये था हमारा ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जब मेल में प्रॉब्लम हो तब ये की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद लास्ट टेक्निक जो है ART। लास्ट ART है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में करते क्या हैं, स्पर्म कलेक्ट कर लिए जाते हैं, कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू फीमेल। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, यानी कि जब नेचुरली व्हेन द पेनिस नॉट रिलीज स्पर्म इन द वेजाइना, और वो था नेचुरली, मतलब पेनिस रिलीज करे तो नेचुरली, अगर स्पर्म डाले जाए तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में होता क्या है, एक तो होता है जो स्पर्म है वो डायरेक्टली फैलोपियन में ट्रांसफर किया जाए, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किए जाए, और अगर स्पर्म फैलोपियन में ना करके यूट्रस में किया जाए तो वो कहलाता है इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ये थी हमारी टेक्निक्स इनफर्टाइल कपल में जिनको बेबी की ज़रूरत होती है। इनफर्टाइल कपल में इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करके और उनको हम बेबी दे सकते हैं।